प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सपा और बसपा के गठबंधन को ठगबंधन बताया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही पार्टियां सीबीआई के डर से एक साथ आ गई हैं। तो देख ही रहे कितना समाजवादियों का अपमान किया गया था, नेताजी का अपमान, जनेश्वर मिश्रा जी का अपमान, अब ये दोनों लोग फिर मिलकर के फिर वही बात चली अपमानित करने की। अपमानित ही तो होता है, इन गठबंधन इस तरीके के होंगे, क्या भरोसा है फिर? क्या भरोसा है? नेताजी ने जब गठबंधन किया था, तब तो कोई आरोप था नहीं, सीबीआई का तब डर किसी को था नहीं, और आज तो सीबीआई के डर हैं। सीबीआई की वजह से, डर की वजह से ये गठबंधन हो रहे हैं, और ये गठबंधन सफल नहीं है, ये तो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, पैसे के लिए। इसमें भी पैसा लिया गया होगा, जो देखिए टिकटों में पैसा कौन नहीं जानता, कुछ ही से छिपा है, पूरे प्रदेश की जनता जानती है, सब लोग जानते हैं, ये तो ठगबंधन है जिसमें भी लिया गया होगा। इसके साथ ही शिवपाल यादव ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करने के भी संकेत दिए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि वे सेकुलर पार्टियों से गठबंधन करने के लिए तैयार है, बशर्ते उन्हें सम्मानजनक सीटें मिले। आपको बता दें कि रविवार को कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि यूपी में हमारे साथ कोई भी सेकुलर पार्टी आती है जिसका मकसद बीजेपी को हराना है तो वे उसका स्वागत करेंगे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।